पंजाब के बठिंडा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां काला सेखो नाम के एक वांटेड गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस एक खेत में पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए गैंगस्टर ट्रैक्टर पर सवार होकर ही भाग निकला। लगभग 20 किलोमीटर तक बीच सड़क पर चोर पुलिस का खेल चला, मगर आखिरकार पुलिस ने गैंगस्टर को धर दबोचा। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि पुलिस से जान बचाकर भाग रहा काला सेखो लोगों की हमदर्दी पाने के लिए अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव ही हो गया। काला सेखो ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस पर गोली चलाई और इसके सबूत के तौर पर उसने खून से लथपथ अपनी टांग भी दिखाई। इतना ही नहीं, वो लोगों से मदद की गुहार लगाता भी दिखा। दिन दहाड़े ये खूंखार गैंगस्टर बेखौफ होकर बीच सड़क पर ट्रैक्टर दौड़ाता रहा और पुलिस की गाड़ी उसके पीछे भागती रही। लेकिन पुलिस ने काला सेखो पर हमला करने की बात से साफ इनकार कर दिया। उल्टा पुलिस ने दावा किया कि उसने खुद ही अपने ऊपर गोली चलाई। ट्रैक्टर पर जाके जा रहा सीगा तो उन्हें अपने आप नु ही पिस्टल दे नाल फायर किया हैगा, उधर लत दे विच लगी गोली है। हालांकि गैंगस्टर ज्यादा देर तक पुलिस को गच्चा नहीं दे पाया और उसके हत्थे चढ़ गया। तो बात की बात है कि मनजिंदर सिंह उर्फ काला सेखो पर कत्ल और लूटपाट जैसे 11 केस दर्ज हैं। बताया गया कि पुलिस उसे पकड़ने गई तो उसने खुद ही अपनी टांग पर गोली मार ली और भाग निकला, लेकिन गैंगस्टर ने दावा किया कि पुलिस ने उसे गोली मारी। सच क्या है उसकी जांच की जा रही। फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ा काला सेखो बठिंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती है।